हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय गार्डन एंड यू वाचिंग बुगी बॉय ऑनलाइन। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कौन सी वैरायटी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, रूबी, फ्लेम एंड फायर ओपल, ये तीनों प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा और इनके साथ इनका आईडी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा एक ही प्लांट का कई सारे नाम होता है, तो आज मैं इन तीन वैरायटी के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी आप जिस प्लांट को देख रहे हो इसका ब्राक्ट को देखिए, ये एकदम डीप रेड कलर का होता है। इसका आईडी है VF रूबी। इस प्लांट के ब्राक्ट का कलर एकदम डीप रेड कलर का होता है और इसका खासियत ये होता है कि ये शुरू से एंड तक एकदम डीप रेड कलर की रहता है। जैसे कि आपने बहुत सारा बोगनविला के वैरायटी में देखा होगा कि फ्लावर शुरू में डीप कलर का होता है, डीप जो भी कलर होता है ये डीप कलर रह जाता है और लास्ट तक ये आते आते फेड हो जाता है। लेकिन इस वैरायटी में ऐसा नहीं है, ये शुरू से लास्ट तक एकदम डीप कलर का ही रहेगा और इसका ब्राक्ट लगभग एक महीने तक रहता है। अभी आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियरली दिख रहा होगा इस ब्राक्ट का कलर एकदम रेड कलर का होता है। ब्राक्ट भी काफ़ी सुंदर होता है। इसमें स्टार्टिंग से एंड तक इसका कलर ऐसे ही रह जाने वाला है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें चार ब्राक्ट आपको दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ फ्लावर में, ये जो फ्लावर आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर सा कलर है इसमें। ये एक छोटा प्लांट मैं लगभग 8 महीने पहले खरीद के लाया था। तो कभी कभी होता है ऐसा, प्लांट अगर मैच्योर नहीं होता तो ब्राक्ट कलर में थोड़ा इधर उधर का कलर दिख जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा इस ब्राक्ट कलर है, आप देख सकते हो। और ये प्लांट मेरे पास 8 महीने से है और एक बार ही इसमें फ्लावर आया था, अभी इसमें फ्लावर नहीं है। देखते हैं अगली बार कौन सा कलर का फ्लावर आता है। और इसका आईडी मैं आपको नहीं बोल सकता, प्लांट को मैच्योर होने देता हूँ, उसके बाद ही दिखा जाएगा इसमें जो फ्लावर आता है वो कौन सा आता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस प्लांट को मैंने यहाँ किस लिए दिखा है। एक्चुअली मैं जब VF रूबी एंड VF फायर ओपल लाया था वही से ये प्लांट को भी लाया था और इसका ब्राक्ट एंड लीव्स बहुत मिलता है VF रूबी एंड VF फायर ओपल से। इस प्लांट को देखिए दोस्तों, एकदम ऑरेंज कलर का ब्राक्ट कलर है इसमें। स्टार्टिंग से एंड तक इसमें ऐसे ही कलर रहने वाला है। ब्राक्ट थोड़ा लंबा सा होता है, देखिए। सोशल मीडिया में हम सब ने इस प्लांट को किंग ओपल, ऑरेंज ओपल, फ्लेम ओपल के नाम से देखे होंगे, लेकिन इस प्लांट का आईडी है VF फायर ओपल। VF का फुल फॉर्म होता है भिस्सा फार्म, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। इन तीनों प्लांट को इन्हीं ने ही बनाया है। इन तीन प्लांट को केमिकल म्यूटेशन से बनाया गया है। अभी आप जिस वैरायटी को देख रहे हो ये हो सकता है कि फ्लेम है, फ्लेम का कलर सेम ही होता है। एक्चुअली ये लगभग 8 महीने पहले मेरे छत पे फायर ओपल से निकला हुआ एक स्पार्ट पॉट है जिसमें लगभग 3 बार फ्लावर हो चुका है और सेम कलर ही आ रहा है। हो सकता है ये फ्लेम हो या हो सकता है कि ये कोई दूसरा वैरायटी हो। सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिया, एक्चुअली फ्लेम नहीं बोलना है क्योंकि इसका सही आईडी VF फ्लेम है। इस तरह का दिखने वाला प्लांट का फ्लावर का नाम VF फ्लेम है। मैंने ये बोल दिया है कि ये नहीं भी हो सकता है फ्लेम, लेकिन फ्लेम जो होता है लगभग ऐसा ही दिखता है, सेम ही कलर आता है इसमें। देखिए दोस्तों, एक साथ दोनों प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। मैंने एक साथ दोनों प्लांट को रखने के लिए मेरे छत पर एक ही पॉट पर दोनों प्लांट को एक साथ बिठा दिया है। बहुत ही अच्छे दिखने वाला है जब फ्लावर आने वाला है। ये तीनों प्लांट पॉटिंग कल्चर के लिए एकदम सही है। पॉट में ग्रो करके इन तीनों प्लांट को आप मनचाहा शेप दे सकते हो, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इनकी फ्लावर से सीड नहीं बनता, तो आप इनसे सीड नहीं बना सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी आपको लगे आप ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा,
अगर आपका कोई भी बोगनविला लवर फ्रेंड है तो वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों, बोगनविला के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक, फेसबुक लिंक और मोबाइल नंबर दे दूंगा। जितना भी मुझे पता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा और आशा रखता हूं कि आपसे भी मैं कुछ सीख सकूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।